नमस्कार, आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आम आदमी पार्टी लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए कैंडिडेट सिलेक्शन प्रोसेस शुरू कर रही है और आम आदमी पार्टी ने जो एक आवेदन पत्र बनाया है, जिस पत्र को भरकर लोकसभा और विधानसभा दोनों के लिए ये आवेदन पत्र है, इसमें आम आदमी पार्टी जो उम्मीदवार आवेदन करेगा उसके लिए जिस तरह की कोई केस ना हो, कोई करप्ट या क्रिमिनल केस ना हो उसके लिए चीजें दी गई है। इसके अलावा उम्मीदवार का सोशल मीडिया पर, उसके फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इसके बारे में भी इस आवेदन पत्र में दिया गया है, ये आपको कॉपी दे देंगे। देखिए, हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी जो चुनाव लड़ेगी वो दिल्ली मॉडल के आधार पे चुनाव लड़ेगी। जिस दिल्ली मॉडल के काम है, सस्ती बिजली है, 1 रुपया यूनिट, 20,000 लीटर पानी था, जवान के लिए, शहीद के लिए 1 करोड़ रुपए मुआवजा था, किसान के लिए 20,000 एकड़ मुआवजा था, जिसमें सरकारी स्कूल बेहतर बनाए गए हैं, जिस दिल्ली मॉडल में चाहे 10 लाख रुपए लगता हो बीमारी पे, लेकिन फ्री इलाज होता है वहां पे हर दिल्लीवासी, उस दिल्ली मॉडल के आधार पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, लोगों के बीच में उस कैंपेन को लेके जाएगी और हमें जो दिल्ली में काम किए हैं वही लोगों के बीच में डोर टू डोर हमारी पार्टी लेके जा रही है। तो आम आदमी पार्टी जो हरियाणा के अंदर, क्योंकि कोई पता नहीं है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ भी हो सकते हैं, कुछ भी संभावना है, तो उसके लिए हमने अपना पूरा सिलेक्शन प्रोसेस शुरू कर दिया और जो हमने आवेदन तैयार किया उस आवेदन की डिटेल भर के कोई भी आम आदमी पार्टी का लोकसभा का या विधानसभा का उम्मीदवारी का आवेदन कर सकता है। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के लिए जो मुख्य चीज है कि जो लोकसभा का उम्मीदवार होगा वो अपने लोकसभा क्षेत्र से 5,000 लोगों का हस्ताक्षर, नाम और पता फोन के साथ उसको देना होगा, और जो विधानसभा के लिए है उस विधानसभा क्षेत्र का 1,000 लोगों का हस्ताक्षर की वो हाँ वो उसको सपोर्ट करते हैं तन से मन से धन से हर तरह से चुनाव लड़ाने के लिए, उस क्षेत्र के लोग तैयार हैं वो हस्ताक्षर करके देने होंगे। इसके अलावा आम आदमी पार्टी नौजवानों को प्राथमिकता देगी टिकट देने के लिए।
आर्मी प्रसन्न होगा, उसके लिए प्राथमिकता होगी, महिला की प्राथमिकता होगी। आम आदमी पार्टी, आर्मी प्रसन्न हो, नौजवान हो और महिला, उनको इसके अंदर हम प्राथमिकता देंगे। तो ये आम आदमी पार्टी अपना सिलेक्शन जो प्रोसेस है अपना शुरू कर रही है। इसके अलावा अभी कुछ दिन पहले ही आप लोगों को पता होगा कि जिस तरह से एक नया कानून पूरा का पूरा हरियाणा सरकार ने बनाया है, PLBA, इसके द्वारा हमारा ये अंदाजा है कि अरावली और शिवालिक ये दोनों को खा जाएंगे ये बीजेपी वाले। पिछले 10 साल में कांग्रेस की सरकार ने, हुड्डा साहब ने जमीन खाई थी, ये बीजेपी वाले खट्टर साहब जो अपने आप को ईमानदार मुख्यमंत्री कहते हैं ये जंगल खा रहे हैं। और करीब 20,000 करोड़ रुपया घोटाला, ये छोटा घोटाला नहीं है। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस पे रोक लगा दी है, लेकिन इसके इससे साफ दिख रहा है, मतलब नेशनल भी इंटरनेशनल भी संस्था ये कह रही है कि गुड़गांव अब सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर बनता जा रहा है। उसके अलावा गुड़गांव की जो जमीनें हैं, पीछे कांग्रेस सरकार ने जिस तरह से CLU के नाम पे अनाप शनाप बेची थी, सरकारी भी जमीनें थी। अब जो खट्टर साहब कहते हैं ईमानदार मुख्यमंत्री का जो मोड़ बांध के घूमते हैं ये, तो बिल्डरों से, बिल्डरों के लिए ये सारा का सारा कानून बनाया गया है। और इससे पोल्यूशन और ज्यादा बढ़ेगा वो तो है ही, लेकिन अंदाजा ये है कि 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला है ये। और इसमें हमारा एक केंद्रीय मंत्री अक्षेत्र के, और दो तीन बताते हैं कि हमारे जो स्टेट के मंत्री हैं वो लगे हुए हैं इस चीज को करवाने के लिए। और अब हरियाणा सरकार शायद सुप्रीम कोर्ट में भी इस चीज को लेके बिल्डरों की तरफ से ही लड़ रही है, पूरी तैयारी कर रहे हैं कि वो किसी न किसी तरह से ये जो हमारी अरावली के या शिवालिक जो अक्षेत्र है फाड़ी, जो पेड़ पौधे हैं उनको खत्म करने के ऊपर उतारू हैं। जो क्योंकि खेमका साहब ने भी इस बारे में बात उठाई, उनका तबादला हो गया, अब जो अनिल विज साहब उनके मंत्रालय में ही काम करते हो, इनके तबादलों पे जब कांग्रेस की सरकार थी चिल्लाते थे, अब तो नहीं चिल्ला रहे। तो क्या बिल्डरों से उनको भी कुछ मिला है? अब क्यों नहीं आवाज उठा रहे भाई? वो अब भी उठानी चाहिए उनको। और जब एक ईमानदार ऑफिसर, मतलब अगर बात उठा रहा है, क्योंकि उन्होंने उससे पहले जो खेल डिपार्टमेंट है उसमें जो इनामों वाला मामला था उसका भी एक घोटाला उजागर किया था, तो ये सरकार दिखाने के लिए अपने आप को खेमका के नाम से चुनाव लड़ा इन्होंने, खेमका के नाम से बहुत बड़ी कैंपेन की, लेकिन उसके बावजूद क्या खेमका का साथ देना वो जुमला ही था क्या कि भाई हमारी सरकार आएगी तो खेमका को हम तो प्रधानमंत्री कार्यालय भेजेंगे, ये करेंगे, फलाना दिखड़ा, तो क्या वो भी जुमला था? तो ये जिस तरह की, और मेरे ख्याल में संडे को वायर 2 साल पहले तो वो जो इनके IAS के रूल है उसके अकॉर्डिंग हो भी नहीं सकता, उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है कोई IAS, कोई एसोसिएशन वगैरह या जो भी है उसे, लेकिन उससे पहले ये इस तरह से करना, मेरे ख्याल में ये साफ दिखा रहा है कि भ्रष्टाचार को ये सरकार पोषित कर रही है। और पूरे हरियाणा में इन्होंने जातिवाद का जो जहर था वो तो फैलाया है ही, लेकिन 10 साल में जितना घोटाले गड़बड़े भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब की सरकार में हुआ था, कांग्रेस ने करे थे, उतना तो एक निर्णय में कर गई है। एक कानून बनाकर, रूल बनाकर जो भी करा इन्होंने, बिल्डरों के लिए जितनी जमीनें बेची थी, जितना कमीशन कांग्रेस सरकार के मंत्रियों ने, कांग्रेस ने खाया था, उतना तो एक डिसीजन में ये लोग कर गए।
इसको लेके हम पूरे हरियाणा में विरोध प्रदर्शन करेंगे एक बार, जो ये पीएलपीए है, और लोगों को बताएंगे कि किस तरह 20,000 करोड़ रुपए का इन्होंने घोटाला गड़बड़ इसमें किया है। इब्बा कर देंगे भाई साहब, 2-4 दिन के लिए, 2-4 दिन में। और क्योंकि हमने ऊपर तक गणी परमिशन ना लेनी पड़ती, जो जी करे आप ही कर लें भाई। तो ये पूरा आप लोगों के सामने, आप लोगों के से अपनी बात रखनी थी सर, कोई सवाल है तो बताइए।